पार्टी का नहीं छीना गया, ये पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को डिसफ्रेंचाइज करने के मुतारादिफ है, क्योंकि 50-60% पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या हिंदुस्तान हो, यहाँ खानदगी की शरह कम है और वो निशान देखकर वहाँ कैंडिडेट्स जो है इस रीजन सारे में वो अपना जो है चॉइस देते हैं, और अगर जमहूरियत में चॉइस नहीं दी जाती है तो जमहूरी अमल ही वो जो है वो फार्सिकल हो जाता है। तो बाहर कैब उन्होंने कहा वो हमारा, तो फिर उन्होंने कहा वो किधर है, हमने कहा कि आपके पास हमने नालिश कर रखी है। फिर उन्होंने आमिर खान साहब को बुलवाया और कहा उसको लगाया जाए, और जब मैंने अर्ज़ किया कि हमारे ये तो कारिंदे को यहीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जो है उठा लिया जाता है और आपके पास शिकायत मौजूद है और इमरान खान को नाअहल कर दिया जाता है, एक कन्विक्शन हालांकि सेंटेंस सस्पेंड हो चुकी है, ये कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड है। मैंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का भी हवाला दिया कि जिन्होंने कहा कि 200 साल तक हिंदुस्तान को आज़ादी इसलिए हासिल नहीं कर सका क्योंकि कोई सियासी जमात उस वक्त मुनज़्ज़म नहीं थी और कोई क़्यादत सियासी जमात की उस वक्त नहीं थी और रडरलेस था, और इतना ज़्यादा अहमियत सियासी जमातों की और इतनी ज़्यादा अहमियत एक उस कायद की होती है कि पाकिस्तान बना ही इसलिए कि मुस्लिम लीग नून मुनज़्ज़म जब हुई और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब उसके सरबराह थे तो उनकी वलवला अंगेज़ क़्यादत के तहत जो है पाकिस्तान बना, वरना 200 साल से आज़ादी हमें मुयसर ना आई थी। अब फिर जो है इमरान खान को इस तरह पार्टी से हटाने का मतलब ये है कि रडरलेस अब फिर आपने बनाया, जमहूरी अमल को सैबोटाज किया इलेक्शन कमीशन ने, तो वो कहने लगे कि हम इदारे को, मैंने कहा जी इदारे का सवाल पैदा नहीं होता है, ये अफराद हैं जिन्होंने किया है और हमने ऑर्डर 1 रूल 10 की दरख्वास्त दे दी है क्योंकि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो मुस्ताफी हो चुका है कल से, उसने अपने जवाब में लिखा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जवाब सो कॉल्ड दिया गया, हालांकि वो सेक्रेटरी ने दिया, उसने कहा मैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हूँ, मैं तो सिर्फ जो है वो आगे से चिट्ठियाँ लिखने का मेरा अख्तियार है, मेरा अख्तियार उससे ज़्यादा नहीं है। तो फिर इसलिए हमने उन मेम्बरान को भी कर दी फरीक बनाने की दरख्वास्त दे दी है, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन इस कदर बायस्ड है, मैंने अर्ज किया इस कदर बायस्ड है कि जेल में जाकर इमरान खान को तौहीन अदालत का, वहाँ अपनी तौहीन अदालत नहीं, तौहीन कमीशन का, इलेक्शन कमीशन का जेल में जाकर नोटिस दिया है, तो इससे ज़्यादा बदनीयती बदयामती क्या हो सकती है। और लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो सारी दुनिया देख रही है इस वक्त क्या तमाशा पाकिस्तान में बना हुआ है, हमारे उम्मीदवारान के खिलाफ यानी डीपीओ इसके तहत एमपीओ के तहत हमारे उम्मीदवारान के खिलाफ डिटेंशन ऑर्डर्स जारी किए हुए हैं, आपने देखा शाह महमूद पूरा जो है मंसेरा पूरे के खिलाफ जो है जितने हमारे उम्मीदवार हैं, चाहे वो हमारे वो हैं अपना स्वाति साहब हैं, चाहे वो हमारे जितने मेम्बरान हैं, उन सारों के खिलाफ डिटेंशन ऑर्डर्स किए हुए हैं। और डिटेंशन ऑर्डर्स कौन करता है, डिप्टी कमिश्नर जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर है, इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा है, आप अंदाज़ा करें कि वो सारे हमारे, फिर 144 का, तो कहने लगे चीफ साहब के जी 144 तो सभी के लिए होता है, और मैंने कहा जी सभी के लिए होता है, ये लोग तो इलेक्शन, ये तो जाने लायक ही नहीं है, लोग इनसे जो है इनका तिया पांचा करते हैं क्योंकि इन्होंने तबाह हाल करके मुल्क को रख दिया है पीडीएम की जमातें, तो फरमाने लगे ये तो केयर टेकर है, मैंने कहा जी केयर टेकर तसलसल है पीडीएम का, इसलिए माफ़ कीजिएगा ये पीडीएम ही है, वो तो इलाके में कैंपेन करने के लिए जाने लायक ही नहीं है, ये 144 सिर्फ पीटीआई के लिए लगाया है, और बाकी जो रहा जहाँ तक ताल्लुक है जलसों का वो आप देखें, सारों के इजाज़त है लेकिन पीटीआई के किसी जो है जगह पर जलसा करने की या कॉर्नर मीटिंग करने तक की इजाज़त नहीं दी जा रही है। तो ये कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड है जिसका हुक्म आपने जारी किया था 22 दिसंबर
2024 को। हमने कहा सीडीज जरा देख लें, नहीं सीडीज तो है। हमने कहा ये जरा देख लें जो हमने ये इसमें सारी लगाई हैं, बयान अल्फी लगाए हैं और उनको हम लेकर गए थे। तो उन्होंने कहा कि पहले आप इस सारा जो है ये चूंकि 700 सफ़ों का इन्होंने दिया है, आप कह रहे हैं कि ये झूठ का मलबा है, तो आप इसकी तरदीद में इसका जवाब दे दीजिए, चूँकि वो आज ही उन्होंने अदालत में दाखिल की है। तो इसलिए अब सोमवार का मैं आपकी सोमवार का जो है इसलिए दी है, हम इसका मुफसल न सिर्फ जवाब देंगे, एक एक चीज़ को बताएंगे कि ये झूठ उन्होंने किया है और ये झूठ की पादाश में भी उनको एक तौहीन अदालत तजहीक का आंसर होता है और वो करें इसलिए। जो 700 सफात पर मुश्तमिल इलेक्शन कमीशन ने ये जवाब दिया है, उस जवाब को पढ़े बगैर आपने टाइम भी ले लिया कोर्ट से जवाब पढ़ने के लिए, और आप कह रहे हैं वो सारा झूठ है, आपने तो पढ़ा ही नहीं है वो जवाब, और टाइम भी ले लिया कोर्ट से पढ़ने के लिए और फिर कह रहे हैं वो सारा झूठ है। 35 केस, 35 वहाँ से है, 12 सरगोधा से है। और साहब मीटिंग कैसी रही, बड़ी अच्छी रही, हाँ बहुत अच्छी रही, वो मिले बड़े बड़े हमें, हमारी कोई जाती दुश्मनी देखें देखें जहाँ तक ताल्लुक है, ये वहाँ उन्होंने पढ़ के सुनाए जब जज साहब ने, तो उसमें लिखा हुआ था कंप्लायंस कंप्लीट कर दी है, कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। तो मुझे बताएं इसके बाद कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, जबकि हमने तो पहले अपनी ओरिजिनल पटिशन के साथ भी लगाए हुए हैं, हमने आज एक जो सीएम दी थी जो पहले उनके जवाब के रोशनी में दी थी इसके साथ भी हमने लगाए हैं, सीडीज भी हम लेकर आए हुए हैं, लेकिन सीडीज यूएसडी वो भी है, आपको भी दे देते हैं, आप भी ज़रा दिखा दें ताकि जो टीवी नहीं देखते वो भी देख लें कि क्या हुआ है। और वैसे आपको कहने की ज़रूरत नहीं है इसलिए कि आपने खुद चलाई हैं ये सारे, पाकिस्तान में आपने चलाई हैं, तो इसको भी देख लीजिएगा। इसलिए ये हम अब इनके हर उसका जो जिसमें उन्होंने कहा है जी इस ज़िले में इतने हैं, इस ज़िले में इतना है, इस ज़िले में इतना है, तो अगर आपने एक आरओ के खिलाफ, एक डीपीओ के खिलाफ, एक पुलिस एसएचओ के खिलाफ, किसी एक के खिलाफ नहीं किया, जबकि मेरी बारों में मुझे पता है कि वकीलों को जो है अप्रीहेंड करके अरेस्ट किया गया, बारों ने एहतजाज करके जाके वहाँ छुड़वाए हैं डीपीओ ने, मैंने खुद दो तीन जगह पे जाके नारोवाल में खुद गया, वहाँ मैंने देखा ब्लॉक किया हुआ था पूरा पुलिस ने रिटर्निंग ऑफिसर्स के जो है दफातर को, और अंदर जाने की किसी को इजाज़त ना थी। और जो आज इन्होंने मेरे बेटे को खुद इसलिए उठा लिया गया कि वो कागजात नामजदगी के सिलसिला में जब अदालत से आया तो वहाँ पुलिस वाले आए और उन्होंने उसे अरेस्ट किया, जो अगले ही दिन बाकिर नजफी साहब की अदालत में इस्लाम लाहौर हाई कोर्ट में न सिर्फ उनकी हथकड़ियाँ खुलवाई गई, जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, न सिर्फ किया गया बल्कि के उस केस को क्वाश करके एफआईआर को भी खारिज करके लिखा बाकिर नजफी साहब, जस्टिस बाकिर नजफी साहब ने कि ये बदनीयती पर मबनी है और ये शाखसाना है उसी तसलसल का जिसमें ये जो है पैरवी कर रहे थे कागजात नामजदगी के इखराज के खिलाफ, और वहाँ जाके पुलिस वाले ने ये किया। तो ये इसलिए हमारे पास इतनी शवाहद है, इंशाल्लाह खातर जमा रखेंगे। ये बता दीजिए रिटर्निंग ऑफिसर, सुप्रीम कोर्ट, अदलिया, तमाम तर इदारे जो हैं उन पर अदम एतमाद का इजहार किया जा रहा है। इस तरह की हम अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं इलेक्शंस के बाद जब पार्टीज हार जाती हैं, आपको नहीं लगता कि इस टाइम पार्टी को बायकॉट का मशवरा देना ज़्यादा बेहतर हाल है? जी बिल्कुल, बायकॉट नहीं करने देंगे, हमने बायकॉट अभी बांग्लादेश में देख लिया है, बांग्लादेश में देख लिया है, एक फ्रॉड इलेक्शन आपके सामने हुआ है, हमने बायकॉट 1985 का देख लिया, वहाँ गैर जमाती इलेक्शंस हुए थे, हम इसको किसी कीमत पर फ्री हैंड नहीं देंगे, यही ये चाहते हैं। देखें 8 फरवरी को जो गैज़ो गज़ब गम गुस्सा आवाम का है वो वोट के देखें आपके ठप्पे के शक्ल में नज़र आएगा, आपको इंशाल्लाह 2/3 से ज़्यादा आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतती नज़र आएगी, और इसी खौफ से ये इलेक्शन भागने की फरार की कोशिश कर रहे हैं, कभी ये सेनेट से करारदाद मंजूर करवाते हैं और कभी इस तरह की हथकंडे करते हैं। आज सेक्रेटरी ने इस्तीफा दे दिया है इलेक्शन कमीशन के, कल दिया है, अब कुछ अच्छा हुआ है तो कुछ और भी सुना है इस्तीफे आ रहे हैं, तो ऐसे में हम बिल्कुल इनको भागने नहीं देंगे, इलेक्शन को हम यकीनी बनाएंगे कि 8 फरवरी को। पार्टी क़यादत ने, पीटीआई की क़यादत ने काजी फायज़ ईसा साहब पर एतमाद का इजहार किया,
जबकि शेर अफजल मरवत अपने बयान पर अभी भी कायम है, आप एतमाद का इजहार करते हैं या आपको भी अदम एतमाद? देखें, हमने तो आखिर नालिश इन्हीं के पास लेके आनी है, हम तवक्कुल, देखें ये अल्लाह ताला के तफवीज शुदा अख्तियारात हैं जो मुनसिफ को मिलते हैं, हम तवक्कुल करते हैं कि वो अल्लाह को जवाब दे हैं और अल्लाह ही की खुशनूदी के लिए फैसले करेंगे। अगर ये तो अहादीस में भी लिखा हुआ है और जज फैसला भी है सुप्रीम कोर्ट का कि वो जज जो तसाल और नाअहली से करेगा वो भी दोजख में जाएगा, जो जज किसी और गलत फैसला किसी और असर के तहत करेगा वो भी दोजख में जाएगा, सिर्फ एक ही जज जो है जन्नत में जाएगा जो अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थामते हुए मिला हो। खुशाल साहब ये बताएं, आज आपकी जिस तरह की आपने इल्जाम लगाए हैं कि अगर पाकिस्तान तरीके साहब को बल्ले का निशान नहीं मिलता तो क्या किसी और निशान पे लड़ेंगे, और दूसरा क्या देखें, एक बात तो यह है कि कल लगा हुआ है पेशावर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में, हमें उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि इंशाल्लाह बल्ले का निशान रिस्टोर होगा। परसों इधर इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी शाखसाने को जो है लगा दिया है, बल्ले का निशान हमें इंशाल्लाह मिल के रहेगा, वगरना भी हम लड़ेंगे और इंशाल्लाह हमारे पास एक ऑल्टरनेट जो है प्लान बिल्कुल है जो मैं इस वक्त डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। खोसा साहब ये बताएं कि आप ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के भी साथ रहे और आप इमरान खान के, दोनों में से ज़्यादा बुरा किसके साथ हुआ या हो रहा है? देखें, यकीनी बात है कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, इसलिए कि उनको पाबा सलासल करके फांसी दे दी गई और वो भी हेनरी किसिंगर की धमकी पर अमेरिका ने दी कि एटम बॉम्ब बनाना बंद कर दो वरना तुम्हें इबरत का निशान बनाएंगे। अब इमरान खान को डोनाल्ड लू जो है वहाँ अमेरिका का, वो धमकी दे रहा है असद मजीद को कि अगर इमरान खान को निकाल दोगे तो अमेरिका तुम्हें माफ़ कर देगा। अब अगर इमरान खान की उसी साइफर, वो भी राजा बाजार में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लहराया था और उसने नहीं जो है वो छोड़ा था, पाकिस्तान के मफाद को उसमें मुकदम रख के जो है ये एटम बम बनाया और आज हमारी दिफा सीसा पिलाई दीवार है। इसने भी जो है इमरान खान ने भी, ये पीपल्स पॉलिटिक्स करते थे, भुट्टो भी पीपल्स पॉलिटिक्स करता था, इमरान ने भी पीपल्स पॉलिटिक्स करके इन इलेक्टेबल्स को फारिग करके रख दिया है। भुट्टो ने भी खंबे को जो है टिकट दी थी तो वो बन गया था, इमरान खान का भी आज वर्कर जो है वो टिकट लेके आप देखें कि इंशाल्लाह जीतेगा। सो इसलिए इमरान खान को पाबा सलासल ज़रूर किया है, लेकिन देखें पाबा सलासल ज़रूर किया है, हमारी गुलामी ताबेदारी देखें, हमने उसको निकाल के डोनाल्ड लू को हमने कहा सिर्फ निकालते नहीं हैं, हमने उसे पाबा सलासल भी कर दिया और हम उसका केस भी इतनी तेज़ी से चला रहे हैं। कैसे जवाब मांगेंगे हुकूमत में आके, मैं तलबी करेंगी हुकूमत देखें, ये डिमोश लिख दिया, स्ट्रॉन्ग ब्लैटेंट इंटरफेरेंस है, आपको भी पता है, सारे पाकिस्तान को पता है, सारे पाकिस्तान को पता है कि इमरान खान को किस साजिश के तहत निकाला गया है, मुझे इस पे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें सरे मुंह सदाकत होती तो आज पाकिस्तान की आवाम इमरान खान के साथ ना खड़ी होती, आज ओवरसीज़ को कल मैंने एड्रेस किया है, नॉर्थ अमेरिका के ओवरसीज सारे पाकिस्तानी इकट्ठे थे, डॉक्टर्स का बहुत बड़ा कट था, 99% जो लोग हैं वो इमरान खान के साथ हैं और यकीन कीजिए वो पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं और काश के हम उन्हें हक दे दें, वो पाकिस्तान के सारे कर्जे उतार के रख देंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।